अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वाइल्ड पेट्स के एक नए और बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड में खुश आमदीद। दोस्तों, आप लोगों को अभी मेरे साथ एक फ्रेम में एक अदद बर्ड नज़र आ रहा होगा। ये बर्ड क्या है, क्यों है और यहाँ किस लिए है? तो आज हम एक दफ़ा फिर ट्रैक पर आए हैं आतिफ इम्तियाज़ भाई के पास, क्योंकि हमें पता चला कि आतिफ इम्तियाज़ भाई एक ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी को नहीं पता, तो वो कितना ज़रूरी है और क्या आतिफ भाई कर रहे हैं, वो चल के मिलते हैं आतिफ भाई से, जानते हैं और देखते हैं उनके पास आतिफ भाई आज हमें क्या क्या एनिमल्स दिखाने वाले हैं। तो चलें, चल के मिलते हैं आतिफ भाई से। वल्चर यानी कि गिद्ध, मौत की अलामत समझे जाने वाला बर्ड है। ये कहीं अगर मंडलाता हुआ नजर आ जाए तो डेफिनेट सी बात है कि वहां कोई ना कोई मौत हुई है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बर्ड ऑफ प्रे है ये। स्टेज में ये प्रिपेयर हो जाता है कि अब मुझे रहना ही यहीं पे और अब मुझे अपनी ग्रूमिंग और उस पर ख्याल करना है। हम दोनों के बराबर ये कवर करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजीली कर लेगा। पर और मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगा। दोस्तों, हमें बहुत सारे फीडबैक्स मिले ट्वैक के हवाले से। लोगों ने कहा कि आपने अभी भी हमें ट्वैक के बहुत सारे एनिमल्स नहीं दिखाए, तो मैंने सोचा कि जो लोग विजिट करना चाहते हैं, मैं ट्वैक की वेबसाइट पे जाके, ट्वैक के पेज पे जाके उनको लिंक शेयर करूं। तो हमें एक ऐसी बात पता चली जो आतिफ भाई ने खाली हमसे ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से छुपा के रखी हुई, हमने ढूंढ ढांड के वो निकाल लिया। और आज हम आतिफ भाई को लेकर आए कि आतिफ भाई आपके सामने कन्फेस करें कि ये इसके साथ साथ एक काम और ऐसा कर रहे हैं जो किसी को नहीं पता कि आतिफ भाई वो काम भी कर रहे हैं। तो चलिए पूछते हैं आतिफ भाई से। आतिफ भाई, थैंक यू सो मच दोबारा टाइम के लिए, बल्कि आज का टाइम तो हमने आपसे छीना है। आतिफ भाई, हमने कुछ सर्चिंग की थी, हमें पता चला कि खाली पेट एनिमल्स नहीं, आप एनवायरनमेंट के लिए भी एक बहुत ही डिफरेंट काम कर रहे हैं जो किसी को भी नहीं पता, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो मेरी एनजीओ है दी वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर, उसके 4 कोर एजेंडा हैं जिसमें एजुकेशन, अवेयरनेस, रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन है। तो इसके साथ साथ हम, यानी ये जो आप देख रहे होते हैं यहाँ पे, लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं, एनिमल्स के बारे में बता रहे होते हैं, एक वाइड वैरायटी हमारे पास है जो लोग आके उसके बारे में हमसे क्वेश्चन करते हैं और ये सारा काम करते हैं। उसके साथ साथ हम कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन का वर्क भी करते हैं। अच्छा, सिंस के हम, हमारी एनजीओ वाइड एनजीओ है कि हम कोई डोनेशन नहीं लेते, ना कोई किसी और डोनेशन हम किसी और तरीके से हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारी अपनी जितनी कैपेसिटी है हम उसी पर कर रहे होते हैं। अब मोस्टली पाकिस्तान में रेस्क्यूइंग के लिए, एनिमल के लिए, यानी नॉर्मली कुत्ता बिल्ली और गधे तक ही सारी रेस्क्यू है। गधा भी बहुत रेयर केसेस में डॉग्स या कैट्स तक जाते हैं। डॉग, कैट और मोस्टली डोंकी तक है, लेकिन जो एग्जॉटिक एनिमल हैं या जो इंडेंजर एनिमल हैं उनकी ना किसी के पास फैसिलिटी है और ना उन लोगों के पास कोई नॉलेज है, ना कोई ऐसी टीम है जो कि कर रही है। अब हमारे तो माशाल्लाह 300 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं और सारे एनिमल लवर हैं, जिसमें जूलॉजिस्ट भी हैं और मुख्तलिफ वेट भी हैं, और उसके अलावा जो हैं वो सारे एनिमल के जो बड़े बड़े हैं वो सब हमारे साथ किसी ना किसी तरह एसोसिएटेड हैं। तो इन सब के साथ मिलके हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो इंडेंजर एनिमल हैं उनको हम रेस्क्यू करते हैं, ठीक है, और उनको माशाल्लाह के उनसे रिहेबिलिटेट भी करते हैं और फिर उनको वाइल्ड में रिलीज़ भी करते हैं। वो हम WWF के साथ भी कर चुके हैं, सिन वाइल्ड लाइफ के साथ भी कर चुके हैं, और इस तरह के सारे काम हम कर रहे होते हैं। तो अब मैं आपको, यानी वो बताता हूँ कि मोस्टली क्या है। आतिफ भाई, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ और हमने आज तक आपको कलरफुल एनिमल्स के साथ देखा है, आपकी ये देखा कि आप ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, प्लस स्कूल्स के बच्चे वगैरह आते हैं, उनको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे होते हैं। ये रेस्क्यू वाला काम आपका किसी को पता नहीं है? ये मतलब बहुत कम लोग इक्का दुक्का जिनको पता है जी। बेसिकली हम लोग जो है ना, वो यानी बताते नहीं है रेस्क्यू का, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और हम वो यानी काम करते नहीं हैं। लेकिन एज अ एनिमल लवर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम कोई चीज़ देखें तो उसको हम रेस्क्यू करें और उसको रिहेबिलिटेट करें। तो मोस्टली हम यानी करते नहीं हैं, हम ज़्यादातर जो नॉर्मल एनिमल हमारे पास कॉल्स आती हैं तो मैं उनको ये दिया मुख्तलिफ इदारों पर मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ उनको कि आप वहाँ से इनको रेस्क्यू करा लें। लेकिन अगर कोई ऐसे एनिमल हैं जिसमें हमारी स्पेशलिटी है और पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो मैं ज़रूर करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उसको यानी पब्लिकली ही नहीं करता, क्योंकि फिर मेरे पास वो दिन भर इन्हीं की कॉल्स आती रहेंगी और मेरे पास तो मैं अपने यानी सोर्स ऑफ इनकम से मैं अपने ये सारा काम करता हूँ, तो मैं इसको नहीं अफोर्ड कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपका एक आप ओन करते हैं खुद ही बस आपका? नहीं, जितनी मेरी कैपेसिटी है अल्लाह के हुक्म से मैं उससे ज़्यादा ही करता हूँ, लेकिन ये है कि अभी मैं उनमें से चंद आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर चुका हूँ और क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक। आतिफ भाई, ये जो हमारे सामने अभी ये एक अदद बैठी हुई है, इनका क्या केस है? यार, ये टॉनी ईगल है और ये WWF के डॉक्टर मौज़म हैं, उनकी मेरे पास कॉल आई कि यार ये एम्प्रेस मार्केट में किसी ने उनको बताया है कि बहुत ही
बुरे हाल के अंदर एक ईगल है और वो बंदा जो है उसको बेच रहा है, तो फिर मैंने यहाँ से उनके फ्रेंड से यानी भेजा और इसको हमने 3,000 रुपीज़ दे के उनसे ख़रीदा। और इसने छोटे पिंजरे में उसको रखा हुआ था, तो इसकी वजह से इसके सारे फैदर जो हैं ख़राब हो गए थे और ये इसकी एक आँख भी ख़राब है, ठीक है। और छोटे पिंजरे में रखने से इसके सारे बाल बाल भी ख़राब हो गए हैं। तो ये अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स है, लेकिन ये अब हमने रेस्क्यू तो कर ली, लेकिन इसका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस जो है ना वो 5-6 साल का है, क्योंकि सारे इसके पर दोबारा गिरेंगे, फिर नए आएंगे, ठीक है, फिर ये इस काबिल होगी कि ये वाइल्ड में रिलीज हो सकती है। अब सेंस के ये जो है इसकी एक आई भी डैमेज है, तो इट्स डिपेंड कि जब ये अपना रिहैबिलिटेशन प्रोसेस मुकम्मल कर लेती है तो ये किस कंडीशन में है कि ये वो कर लिया। अतिब भाई, इसके इस दौरान मतलब इसकी जो मेडिकेशन अगर कोई होनी है, इसका जो भी ट्रीटमेंट है, इसका खाना पीना, वो सारी आप? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मोस्टली जितने भी पेट एनिमल होते हैं उनकी भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, किसी से सिंगल पेनी चार्ज नहीं करता मैं। अच्छा, हाँ ये सब करता हूँ। और ये इस तरह के टेस्ट केस, ये एक मेरे पास 4 साल पहले भी इसी हालत के अंदर एक टॉनी ईगल आ चुकी है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो हमने 4 साल की मेहनत में उसको ऑलमोस्ट यानी 80% वो फिनिशिंग में आ गई है। आते भाई, नॉर्मली जो मैंने बर्ड्स वगैरह देखे हैं, स्पेशली इम्प्रेस मार्केट की अगर बात की जाए, जो केजेस वगैरह में रखते हैं, मैं किसी का नाम नहीं मेंशन कर रहा, जस्ट एक जनरल बात कर रहा हूँ, छोटे केजेस की वजह से इनकी टेल वगैरह ख़राब हो जाती है और इसके पर कुछ जगह से मुझे लग रहा है कि नए नए आ रहे हैं, तो ये रिकवर करना इसने शुरू कर दिया? जी जी, रिकवर करना शुरू कर दिया है, लेकिन रिहेबिलिटेशन जो है ना एक यानी बहुत लेंथी प्रोसीजर है, उसके 5 स्टेजेस होते हैं। अच्छा, रिहेबिलिटेशन के वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा कि कौन से 5 स्टेजेस होते हैं और ये सालों पर मुहैया होता है, क्योंकि बेसिकली ये जिस ट्रॉमा से गुजरी होती है ना, तो एक पूरा प्रोसीजर है और ये वाइल्ड एनिमल है, ये कैप्टिव नहीं है, तो पहले तो इसको ये रियलाइज़ करना पड़ता है पहले स्टेज के अंदर कि हम इस एनवायरनमेंट में अब हैं, तो पहले तो वो इसको फर्स्ट स्टेज में इसको रिकवर करता है, सेकेंड स्टेजेस के अंदर जो है ये जाके उस जगह को एक्यूमिलेट कर लेता है, फिर इसकी ग्रूमिंग जो है वो शुरू होनी होती है। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट होती फिर है, फिर स्टार्ट होती है। थर्ड स्टेज में ये प्रिपेयर हो जाता है कि अब मुझे रहना ही यहीं पे और अब मुझे अपनी ग्रूमिंग और उस पर ख्याल करना है। सेकंड में फिर ये खाने पीने लगता है, जो अपना 5th एडिशन है, और आखिरी इसकी मेंटेनेंस स्टेज होती है जिसपे ये बिल्कुल रेडी हो जाता है और रिलीज टू वाइल्ड हो जाता है। अच्छा आदि भाई, आपने मतलब वैसे जैसे आपने भी, ये बड़ा रेयर केस है, मैंने देखा भी नहीं है कि कोई ईगल्स वगैरह की तरफ जाता भी हो कि इनका कोई रेस्क्यू वगैरह करता हो। अब जैसे ये सेट हो जाती है तो इसके बाद इसका क्या प्रोसेस होता है, आप क्या करते हैं इसके बाद? देखें, ये मिसाल के तौर पे जैसे हम जो हमें रेफ़र करता है ना, ये जैसे ये मौज़म साहब ने रेफ़र हमें किया, ठीक है, तो अब हमने इसको रेस्क्यू किया, अब हम इसको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर जब ये अपने फिनिशिंग स्टेज के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ईजी हो जाएगी, तो फिर अब ये जो है ना अभी अपने सेकेंड स्टेज के अंदर है, यानी इसने हम लोगों से मानूस हो गई है, इंसानों से, हमारे हाथ से खाना भी खा रही है, हमें एकोमोडेट भी कर रही है। अगर ये हमें एकोमोडेट नहीं कर रही होती तो अभी तो फड़ फड़ के ये जैसे वाइल्ड एनिमल बिहेव करता है वैसा करता है। अब ये अपनी रिकवरिंग स्टेज पे आ रही है, ठीक है, अब ये अपनी रिकवरिंग स्टेज पे आ रही है और आफ्टर 1-2 साल बाद ये पूरे अपने आप को रिकवर कर लेगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह इसकी कंडीशन डिपेंड करेगी, क्योंकि ये आई, इसकी एक आइज़ भी ख़राब है कि ये किस तरह है, क्योंकि ये बहुत मैजेस्टिक बर्ड है। अभी जो आप इसको देख रहे हो ना, ये बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो एक और टॉनी ईगल मैंने 4 साल पहले रेस्क्यू की थी, वो भी इसी कंडीशन में थी, ना उसके कोई फैदर सही थे, ना उसके बाल थे, ना नाखून थे, ठीक है, बहुत सारा बहुत बुरी हाल के अंदर थी वो। और अब आप देखें उसको कि वो माशाल्लाह हमारे पास 4 साल से है और बिल्कुल अपनी अभी फिनिशिंग स्टेजेस के अंदर है। इंशाल्लाह 3-4 महीने में वो इस काबिल होगी कि वो वाइल्ड में रिलीज हम कर सकें उसको। दोस्तों, जैसे आतिफ भाई ने हमें बताया था कि आतिफ भाई ने एक और ईगल जो है वो इससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में रेस्क्यू की थी और वो ऑलमोस्ट 4 साल से आतिफ भाई के पास है और शायद आप लोगों को हमारे पीछे नज़र आ रही होगी, उसके बारे में आतिफ भाई से पूछते हैं। आतिफ भाई, इनका क्या सीन है? जी जी, ये भी टॉनी ईगल है, ये हमने 4 साल पहले रेस्क्यू की थी और किसी ने आइडेंटिफाई की थी और हमने फिर जाके उसको एम्प्रेस मार्केट से यानी बाई की थी इसको, और उसके बाद हमने इसको रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरी हमारे पूरी और अभी माशाल्लाह बिल्कुल अपने 90% फिनिशिंग पर है। और इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है कि इसकी एक लेग जो है ना वो डैमेज थी, वो जो थोड़ी सी हल्की सी कर दी लेफ्ट वाली लेग, आप देखें इसको तो ये डैमेज थी, इसको बहुत हद तक, अब तो हमने उसी वक्त प्लास्टर लेस्टर करके सही कर दिया था, अब ये इस तरह है कि पकड़ लिए हर काम कर रही है, ठीक है ना। लेकिन अब ये आफ्टर 4-5 मंथ हम इसको देखेंगे कि ये वाइल्ड में रिलीज़ करने के काबिल है या नहीं है, उसको देखेंगे। और बाकी अब ये बिल्कुल अपने इससे सारे नए पर पुराने पर झाड़ के बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज पे आ गई है और बहुत हेल्दी भी है
और वो है। अच्छा आतिफ भाई, एक चीज़ है जो ट्वेक के बारे में सबको पता है, आतिफ इम्तियाज के बारे में सबको पता है कि इनके पास जो जानवर होते हैं बहुत टेम होते हैं, आप प्यार कर सकते हैं उनसे, इंटरेक्शन कर सकते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लगी। जी जी बिल्कुल, देखें मोस्टली हम ट्वेक पे जो चीज़ें रखते हैं वो सब कैप्टिव बॉर्न होती हैं, और जो आपको वाइल्ड एनिमल यहाँ पे नज़र आ रहा होता है ना वो मोस्टली रेस्क्यू किया हुआ होता है और वो अपने रिहैबिलिटेशन प्रोसेस पे होता है। अच्छा, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस की जो हमारी गाइडलाइंस है ना जो हम फॉलो करते हैं, हम उनको टेम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमें उनको वाइल्ड में रिलीज़ करना है ना, तो हम उनको जो है वो पैटिंग भी नहीं करते उनको, और ना उनको हम ह्यूमन फ्रेंडली बनाते हैं, हम उनको वाइल्ड ही रखते हैं ताकि वो अपनी चीज़ें मेंटेन करें, और जब रिलीज टू वाइल्ड हो तो हम उसको वाइल्ड कर लें, वो पलट के हमारी तरफ नहीं देखे कि आतिफ खाना खिलाएगा हाथ से, हम इनको वाइल्ड ही रखते हैं, वाइल्ड ही ट्रीट करते हैं इनको, ठीक है, और ये फिर अपने यानी एक प्रोसेस से गुजरते हैं और उसके अच्छा बाद। भाई आपने दो वर्ड्स यूज किए थे, एक कंजर्वेशन और एक रिहैबिलिटेशन। जी जी बिल्कुल, तो इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। जी जी, देखिए कंजर्वेशन का मीन तो यानी तहफ़्फ़ुज़ है ना, तहफ़्फ़ुज़। कंजर्वेशन की जो टाइप्स होती हैं वो एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होती है, एक मैरीन होती है, एक एनिमल कंजर्वेशन होती है, और फोर्थ सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो एक ह्यूमन कंजर्वेशन होती है, ठीक है। अब एनवायरमेंटल में तो ये है कि हम अपने नेचुरल हैबिटेट को ख़राब नहीं करें, उसको होने से बचाएं, अगर कोई दरख्त काट रहा है तो हम वो कटने ना दें और ये मैंग्रोव को सेव करें, और डिफरेंट ये सब एनवायरमेंटल हो गई। मैरीन में ये कि हम पॉल्यूशन ना करें और मैरीन को कंजर्व करें। एनिमल कंजर्वेशन के आपको किसी ने बताया कि यार वो एनिमल वहाँ पे ज़ख्मी पड़ा हुआ है तो आपने जाके उसको उठाया, प्रिजर्व किया और कंजर्वेशन जो है कंजर्व किया उस एनिमल को। एक होती है ह्यूमन कंजर्वेशन। ह्यूमन कंजर्वेशन बेसिकली ये है कि हम अपने नेचुरल जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसको हम ह्यूमन से प्रोटेक्ट करें और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको प्रिजर्व करें, ठीक है। मींस के मिसाल के तौर पे हम जंगल नहीं काटने दें ह्यूमन को, हम उनको इनमें पोल्यूशन ना करने दें, ठीक है। तो ये यानी एक एनिमल की अलग है और एक ह्यूमन को कंजर्वेशन ये है कि आप जो हैं वो ऐसे चीज़ें करें, प्रिजर्व करें अपने नेचुरल एनिमल के हैबिटेट को, अपनी अपना इकोसिस्टम मेंटेन करें, आप अपना ओजोन की केयर करें, यानी ह्यूमन से रिलेटेड जो है ना, यानी ह्यूमन। तो वो इन सब का मकसद ये होता है कि भाई हमने तो ये देख लिया टॉनी ईगल, लेकिन अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारी आगे वाली जनरेशन नहीं देख सकती, क्योंकि अभी तो अलमिया का कानून ऐसा हुआ हुआ है कि जो नेचुरल हैबिटेट है वो खुद अजाब में आई हुई है, कभी अमेजोन जल जाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया जल जाता है, तो ये तो ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है, तो ये इसलिए हमें इन चारों टाइप्स की कंजर्वेशन करनी चाहिए। सही। अच्छा आगे भाई, और रिहैबिलिटेशन? अच्छा रिहैबिलिटेशन जो है वो बहाली है, यानी वंस यू कंजर्व टॉनी ईगल, अब उसको आपको बहाल करना है उसके नेचुरल एबिलिटी पे कि ये उड़ सके, शिकार कर सके, खा सके, तो वो सारा प्रोसीजर जो है ना वो रिहैबिलिटेशन है, वो सारा प्रोसीजर रिहैबिलिटेशन है। आतिफ भाई इसके ज्यादा ही बड़ा है? जी जी, ये 8 फीट लेंथ है, बहुत बड़ी ईगल है, ये सेकंड लार्जेस्ट ईगल है ये। ओके बहुत बड़ी ईगल है ये, बहुत मैजेस्टिक बर्ड है, यानी बहुत ही ज्यादा वो है, और ये रशिया से बहुत ज्यादा पाकिस्तान आ रहा है, ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, और सबसे ज्यादा ये शिकार हो रहा है, सबसे ज्यादा लोग इसको मार रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वान्टिटी में ये जो है इसकी पूछिंग हो रही है, और आपको ये इलीगल पेट शॉप्स पे ये सब आपको मिल रही है, इतना मैजेस्टिक एनिमल, यानी लोग हज़ार हज़ार दो दो हज़ार रुपये पे इसको बेच रहे हैं, आप सोचें, और इतना मैजेस्टिक एनिमल है ये कि आप इसको देख के आप जो है वो हैरान हो जाए, परेशान। आतिफ भाई कोशिश कर रहे हैं कि इनको बचाया जाए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं 8-10 कर चुका हूँ, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है, मैं उसी लिमिट के अंदर रह सकता हूँ, मैं ये नहीं है कि जितनी टॉनी ईगल लोग इलीगल पकड़ रहे हैं मैं सबको ले लेके रिहैबिलिटेट कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जैसे जो ईगल्स हैं या जो जितने भी कार्निवोरस एनिमल हैं उनकी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस इतना महंगा है कि आपकी सोच है, कुछ एनिमल्स का तो इतना दिन का मेरा खर्चा नहीं होता जितने का वो एनिमल मेरे खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और बिल्कुल, ये भी बिल्कुल, तो मैं सिर्फ वही करता हूँ कि जो किसी रेफरेंस से आ जाता है पानी पे तो हाँ वो कर लेता हूँ, या कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंडीशन के अंदर है, और ये बेसिकली कोई और इसको करता नहीं है रेस्क्यू, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ, वरना कुत्ता बिल्ली कोई मुझे रेफर करता है तो मैं उसको रिस्पेक्टिव जो इदारे हैं उनको ट्रांसफर कर देता हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता है कि आतिफ भाई के पास हम आए तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक दो एनिमल्स पे आतिफ भाई रुक जाएं। आतिफ भाई ने एक और चीज़ मुझे बताई थी जो मैं चाहता हूँ कि आतिफ भाई आप लोगों को बताएं, मुझसे भी डिस्कस करें, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, हम आपको आज बहुत ही अमेजिंग बातें बताने वाले, तो हम यूँ गए एक छोटे से ब्रेक पे और यूँ आए।
वेलकम बैक नाजीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि आपसे हमेशा की तरह एक वादा था कि आपको और एनिमल्स भी दिखाएंगे, यहाँ पर आके मैंने आतिफ भाई के पास कुछ ऐसे एनिमल्स देखे थे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि डैमेज थे, लेकिन आतिफ भाई के पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कम्प्लीटली बिल्कुल सेट हैं, तो वाइल्ड वो पेट एनिमल्स में नहीं आते लेकिन वो बिल्कुल सही है। वो आतिफ भाई के पास क्यों है ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में और हो सकता है आपके दिमाग में भी होगा, तो आतिफ भाई से पूछते हैं। आतिफ भाई इसका क्या सीन है, कुछ एनिमल्स आपके पास हैं तो वाइल्ड लेकिन बिल्कुल कम्प्लीटली सेट हैं वो? जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कंजर्वेशन का मतलब यानी ये नहीं है कि हाँ कि हमेशा कोई एनिमल जो है वो ज़ख्मी हो, ठीक है, या वो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं वाइल्ड एनिमल कि बिल्कुल छोटे ही बच्चे लोग घरों में पालते हैं और उन्होंने वाइल्ड देखा ही नहीं होता है, तो वो हैं तो वाइल्ड एनिमल लेकिन रहे वो कैप्टिविटी के अंदर हैं। जिसकी एक ताज़ा मिसाल मशहूर ज़माना ये हमारा आउल है, क्या बोलते हैं मार्को, और जो है मार्को इसका नाम है। सही है, ये काफी जगह आतिफ भाई के साथ देखा गया है ये, क्योंकि शुरू से बचपन से मेरा ख्याल पालतू है, तो आतिफ भाई एक और साहब ने इनको पाला हुआ था घर में और बड़ा ही फ्रेंडली है ये, और ये यानी इसमें जरा से भी वाइल्डनेस नहीं है, अभी खुला बैठे हैं, खुले बैठे हैं बिल्कुल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आतिफ भाई ये इसको जंगल में क्यों नहीं छोड़ा वापस, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं, उड़ता ही नहीं, ये रहा ही इंसानों के अंदर है, ये इंसानों की कंपनी जो है वो इंजॉय करता है और इसके साथ जो है यानी जो कैप्टिव में रखते हैं एनिमल्स तो उनके साथ प्रॉब्लम ही सबसे ज़्यादा ये आती है, क्योंकि ये बचपन से ही इन्होंने इंसानों को देखा होता है, इंसानों की कंपनी में रहे होते हैं, तो ये उन्हें ही अपने पेरेंट्स समझते हैं क्योंकि इनको हैंड फीड कराते हैं। सही, तो ये वाइल्ड में और ये इनको आदत है बोनलेस मीट खाने की, वाइल्ड में तो इनको शिकार करके खाना पड़ेगा, इसको तो शिकार आता ही नहीं होगा, तो ये है। हाँ यानी वैसे तो इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है शिकार की, लेकिन ये पूरा हैबिटेट ऐसा हुआ है कि हमने कोई जिंदा चीज भी डाली है, जैसे हमारे पाइथन वगैरह के लिए माउस वगैरह आते हैं जी, लेकिन ये उसको नहीं करता, इसको चिकन पीस दें तो वही खाता है, ठीक है, तो ये इनमें प्रॉब्लम होती है। अब वाइल्ड में अगर हम इसको रिलीज भी कर दें तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा, मर जाएगा ये। और एक और प्रॉब्लम, जैसे अक्सर बेशतर लोग जो है वो इस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन एक मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल ये मिस्टर मार्को जो है ये बहुत माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव सब कुछ बिल्कुल सेट है इसका, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इसको वाइल्ड एनिमल है, इसको वाइल्ड में रिलीज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको वाइल्ड में रिलीज़ कर दिया जाए, हर बंदा आतिफ भाई जैसा नहीं होता, अब ये जैसे आतिफ भाई ने बताया कि इसको हैंड फीड कराई जाती है, अगर कोई बंदा इसको देखता है, क्योंकि ये इंसानों से दूर नहीं भागेगा, इसको आदत है, ये किसी के भी करीब आ जाए और कोई इसको कुछ खिलाने की कोशिश करे, इसको पकड़ने की कोशिश करे, इसको आराम से पकड़ा जा सकता है, तो अभी ये बिल्कुल सेफ हैंड्स में, खाना वाना इसको अच्छा मिल रहा है, इसको वाइल्ड में अगर रिलीज़ कर दें किसी पोचर के हाथ में ये बहुत आसानी से आ जाएगा और फिर ये किसी गलत मार्केट में बिक रहा होगा, ऐसा ही आतिफ भाई? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इसको छोड़ना इसके लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ यानी वाइल्ड में सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, 2 से 4 दिन के अंदर ये मर जाएंगे, क्योंकि वाइल्ड तो बहुत ही हार्श एनवायरमेंट है ना, कैप्टिविटी के अंदर तो भाई आपको टाइमली खाना मिल रहा है, टाइमली मेडिसिन हो रही है, आपको लुक आफ्टर किया जा रहा है कि आपके फेदर खराब हो रहे हैं, सर्दी गर्मी शावरिंग दी जा रही है, तो ये तो इतने हैंडीकैप है, ये वाइल्ड में तो जाके खुद नहाएंगे, खुद शिकार करेंगे, नहीं कह सकते ये कभी भी। अच्छा तो ये भी, अच्छा ये भी कंजर्वेशन का एक, ये भी एक फेज है। हाँ अब इनकी जो है यानी ये भी कंजर्वेशन में आएगा कि जो ऐसे एनिमल हैं जो वाइल्ड में रिलीज ही नहीं हो सकते, ठीक है, तो जिंदा तो रखना है ना उनको, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी उनको प्रिजर्व करना, तो ये भी एक कंजर्वेशन के अंदर आएगा, ये एक और क्लास है कंजर्वेशन की। अभी रिसेंटली सिंध वाइल्ड लाइफ ने एक वुल्चर रेस्क्यू किया, तो उस वुल्चर के साथ भी यही प्रॉब्लम था कि वो 4 दफ़ा उसको लेके गए खेतर में और 2-2 घंटे इंतज़ार करते हैं कि भाई उड़ जाओ भाई उड़ जाओ, वो भाई उड़ ही नहीं रहे, फिर वो पता चला कि भाई जिन्होंने पाला हुआ था तो उसको छोटे से पाला हुआ है, अच्छा वो ह्यूमन फ्रेंडली है, उन्होंने अपने पेज में पोस्ट भी डाली है इसकी और इस चीज़ को इनक्रेज किया है कि भाई आप लोग ये वाइल्ड एनिमल को नहीं पालें, वाइल्ड एनिमल को नहीं पालें, क्योंकि फिर वो वाइल्ड में जाने के रिलीज नहीं होते, तो फिर उन्होंने वो हमारे सेंटर में दे दिया फॉर एजुकेशन पर्पस, तो अब वो हमारे पास है, तो अब वो जिंदगी भर यानी ऐसा ही है, उसको आप छोड़ भी दें, अब इनको आप छोड़ भी दें ये उड़ेंगे ही नहीं, और अगर खुदा ना खास्ता ये जस्ट इन केस उड़ उड़ जाता भी तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, तो आते भाई तो मर जाएगा अगर खेलने कूदने के चक्कर में कहीं उड़ जाता है। बेसिकली असल में कोई सर्वेलेंस नहीं होता ना वाइल्ड के अंदर, वाइल्ड में तो उड़ गया तो बस फिर क्या है, फिर तो इसको कोई प्रेडेटर इसको खा लेगा या ये भूख से मर जाएगा, ये बहुत मुश्किल है, सर्वाइवल रेट यानी बहुत कम है, तो ये ज्यादा बेटर है कि ऐसे एनिमल को वाइल्ड में छोड़ा ना जाए। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जो इस तरह की चीजें होती हैं जो कि डैमेजेस हो जाती हैं वाइल्ड में
और आप अगर गूगल करेंगे तो देखेंगे अमेरिका में इधर उधर इस तरह की बड़ी बड़ी सेंचुरीज बनी हुई हैं। हाँ सेंचुरीज बनी हुई हैं और वो एजुकेशनल पर्पज के लिए भी उसको रख देते हैं कि जो एनिमल उनको ये पता है। देखें ये तो एक जैसे आप जानवर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसी जानवर को जानबूझ के मारने के लिए छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल आपको पता है कि ये मर जाएगा वाइल्ड में, तो आप क्या करेंगे। तो फिर ये ऐसे सेंटर्स को दे देते हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, उसको देखते हैं। ये सब इतने मैजेस्टिक बर्ड है, आप इनको स्टडी करें आप देखते रह जाएंगे इनकी खूबसूरती, इनकी हरकतें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो ये है। तो आप वाइल्ड में कितने लोग जाके देख सकते हैं, कोई भी नहीं देख सकता वाइल्ड में। मैंने आज तक ना आपको नजर आएगा, इतने करीब से इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते आप, वुल्चर इतने करीब से नहीं देख सकते। और अभी हम आपको वुल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम आपको वो वुल्चर भी दिखाते हैं जो कि वो भी हमारे पास है माशाल्लाह। सही सही। और वुल्चर के बारे में मैं बताता हूँ आपको। अच्छा आदि भाई, अभी आपने जो इसके बारे में बताया था कि मतलब ये एनिमल जो है जो नहीं वाइल्ड में सरवाइव नहीं कर सकते, मैंने एक आउट ऑफ पाकिस्तान एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं एक जगह गया था, वहाँ पे मैंने उनके पास देखा था, उनके पास कुछ ईगल्स थे और वो उन्होंने पेयर रखा हुआ था। उन्होंने मुझे उसके जो रीजंस बताए कि ये भी एक बंदे ने ऐसी बचपन से पेयर अपने पास रखा है। तो आदि भाई उनका मुझे एक वो बड़ा अच्छा लगा, एक उनका पर्पज़ जो था, उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास पेयर है तो अब इसके जो बच्चे निकले हमने उनको वाइल्ड के हिसाब से ट्रेन करके हमने रिलीज कर दिया, तो ये हमने बैलेंस बराबर कर लिया कि अगर हमारे पास वाइल्ड एनिमल है जो खुद सर्वाइव नहीं कर पाता तो हमने उसकी ब्रीड जो है जंगल में, यानी ये बहुत प्लस पॉइंट है वाइल्ड लाइफ के लिए। देखें जिस तरह ये जितने भी ये इस तरह के एनिमल हैं जैसे वुल्चर हैं, ठीक है, पाकिस्तान में तो खैर नहीं लेकिन इंडिया में बहुत इस पर काम हो रहा है। उन्होंने उसके ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए हुए, जबरदस्त बड़े बड़े ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए हुए जहाँ पे वो उसकी पॉपुलेशन लॉसेस जो हो गए, ठीक है, तो वो सब ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। वुल्चर के साथ तो एक बहुत यानी सेटबैक हुआ है ना पूरी दुनिया के अंदर, जो वुल्चर ख़त्म हुआ है तो वो गायों की जो दूध बढ़ाने की दवाई होती है ऑक्सी, ओके, तो उसकी वजह से जो है वो सब उनकी जो कचरा है जब वो गायें कटती हैं तो वो खाते हैं, वुल्चर खाते हैं सबसे पहले, तो उनकी किडनियाँ फेल हो गए, पूरी पॉपुलेशन दुनिया में ख़त्म हो गई। ओहो, तो ये इस पर बहुत काम हो रहा है और वो कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखेंगे हमारा सिंध वाइल्ड लाइफ भी बहुत एग्रेसिव है इस वुल्चर के मामले में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर है और इतना मैजेस्टिक बर्ड है कि आप इसको देखते रहेंगे, बस देखते रहेंगे इस तरह का। और आदि भाई जैसे बहुत सारे लोग, मैं ये बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को पता भी नहीं होगा कि वल्चर जो है यहाँ पाए भी जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास 4-5 किस्म के पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल वल्चर। दोस्तों अब आप लोगों ने जो है वो अपने टीवी के सामने आके बिल्कुल स्टिल हो जाना है, क्योंकि वल्चर इतने करीब से शायद मैं भी पहली दफ़ा देखूंगा, और मैं 90% लोगों का कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि वल्चर पाए भी जाते हैं पाकिस्तान में, प्लस ये कि इतने करीब से वल्चर दिखता कैसे है, वल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है। लेकिन हमेशा की तरह इस दफ़ा का स्पेशल एनिमल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं आपको वल्चर दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजीन, आप लोगों को नजर आ रहा होगा हमारे इस एपिसोड का स्पेशल एनिमल है, और मैं अब आप लोगों से बात नहीं करना चाहता क्योंकि आतिफ भाई ने वो चीज़ सामने ला के रख दी है जो मैं ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आप साइज़ देखें इसका, इस जानवर को खौफ की अलामत बोला जाता है, और ये मैं पहली दफ़ा इतने करीब से देख रहा हूँ। तो चलें जानते हैं इसके बारे में आतिफ भाई से। आतिफ भाई जी, जी भाई ये तो यूरेशियन गिफ्रॉन वुल्चर है, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सिंध के इलाके में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वैसे तो 3-4 वुल्चर की ब्रीड्स पाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब साइड में भी हैं और डिफरेंट हैं, लेकिन ये सबसे रीडली आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और इसकी स्टोरी ये है कि ये पला ही कैप्टिविटी के अंदर है। अच्छा, गिफ्रॉन वाइल्ड लाइफ वालों ने इसको कॉन्फेस्टिगेट किया था इलीगल पोजिशन पर, और 3-4 दिन इसको खेरतर नेशनल पार्क में इनको रिलीज़ करने की कोशिश की, लेकिन ये इंसानों में पला बड़ा है और इंसानों से इतना मानूस है कि ये जो है 3 दिन उड़ा ही नहीं से बैठा हुआ है हमारे पास भी। और फिर उन्होंने इस उस पर किया, तो फिर वो हमारे सेंटर में दिया इन्होंने कि हम इसको एजुकेशनल पर्पज़ पे, जो लोग स्टूडेंट्स और डिफरेंट लोग जो हैं वुल्चर नहीं देख सकते हैं तो वो आके यहाँ पर देख लें इसके बारे में, यानी सारी इंफॉर्मेशन। और ये क्या बात है और ये तो बेबी है अभी, बहुत छोटे साइज़ के अंदर है ये, छोटे साइज़ के अंदर। हाँ, मैं अल्लाह की कसम से 8-10 वुल्चर जो हैं वो रिस्क्यू कर चुका हूँ और रिलीज जी, और उनको रिहैबिलिटेट करके 2-3 उनमें से जो एक्सपायर हो चुके वो भी हुए, क्योंकि वो कंडीशन में, इस कंडीशन में हमें मिलते हैं कि हम बच सके, कुछ भी करें वो बच नहीं सकते ना, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इतने ज़्यादा वो मिस ट्रीट होके आते हैं,
ठीक है, प्लस एक एनिमल की भी तो सेल्फ स्टीम होती है ना, बिल्कुल, आप बिल्कुल, उसको बिल्कुल. इतना मैनिपुलेट कर दें और इतना उसको मलाइन कर दें तो वो खुद ही अपनी विल छोड़ देता है जिंदा रहने की. तो ये तो हम इतना बड़ा जानवर फेस कर रहे होते हैं. हाँ बिल्कुल, जो अभी है ये बहुत ही यानी छोटे साइज में, अभी इसकी उम्र भी काफ़ी कम है. बहुत बड़े बड़े वुल्चर गिफ्रॉन होते हैं और इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है. अच्छा अच्छा अच्छा. और बहुत अभी भी इसका 8-10 फीट तो स्पैन होगा विंग्स का. अच्छा. और हाँ 12 फीट बड़े भी वुल्चर जो है ये, वो मैंने, मतलब आदि भाई अगर मैं वैसे एक स्क्रीन के हिसाब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अभी जैसे हमारे मेरे और आपके बीच में बैठा हुआ है, अगर ये पर खोले तो हम दोनों के बराबर ही कवर करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ईजिली कर लेगा ये पर. और मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ कि कितने बड़े इसके पर हैं. और ये असल में इसकी ग्रिप नहीं बन रही है पैरों पे, ये स्लिपरी है. और ये जो है ना वो इस मूड में है नहीं बेटे, नीचे नहीं जाना, थोड़ी देर हमारे नाजरीन से बात कर ले हम थोड़ी सी. क्या भरम है आते भाई इसका. जी जी ये बहुत मैजेस्टिक बर्ड है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. और इसको तो जितने आप करीब से देखेंगे उतना ही ज्यादा. ये तो पहली दफा देख रहा हूँ मैं. हमारे इकोसिस्टम के लिए इसका क्या काम है ये बताएं. नहीं इकोसिस्टम तो भाई ये अल्लाह मियाँ की यानी ऐसी शान है कि उसने जो वाइल्ड लाइफ बनाई है ना, वो एक एनिमल अगर मरता है ठीक है तो एक ऐसी वाइल्ड लाइफ है जो उसका गोश्त खाती है, एक ऐसी वाइल्ड लाइफ है जो उसकी सिर्फ आंते और ये सब खाती है चीज़ें, अलग अलग. यानी मिसाल के तौर पे एक इसके आगे आप एक हिरण डालेंगे तो ये हिरण का गोश्त नहीं खाएगा, ये उसकी आंते खाएगा. अच्छा. ठीक है. हाँ अब आप जो है वो शेर करेंगे तो शेर उसका गोश्त खाएगा. ठीक है. इसको तो फिर भेड़िए लाएंगे वो उसकी हड्डियाँ खाएगा. तो ये इस तरह का एक सिस्टम है पूरा अल्लाह मियाँ के, पूरा डिकम्पोज करना है उसको. ओके ठीक है. और जो रासा होगा वो जो कीड़े वगैरह मैगेट्स वगैरह होते हैं वो सब यानी बर्ड्स वगैरह खाते हैं. आजी भाई इसको तो मतलब वैसे कैप्टिविटी में रखना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल है. मतलब यहाँ पर इसको क्या भाई ये देखें, हमने तो जो हमारे पास जैसे जितने भी वाइल्ड एनिमल जो भी हम रेस्क्यू करते हैं ना उनके हम बहुत बड़े बड़े इंक्लोजर हैं हमारे. जी जी. ठीक है. इसका भी जो है वो कम से कम भी 20 फीट बाय 30 फीट का इंक्लोजर है ताकि आराम से इसमें इजी रह सके. ठीक है. यानी इस तरह नहीं है कि छोटे छोटे इंक्लोजरों में हमने इनको रखा हुआ है क्योंकि वाइल्ड एनिमल है, इनको छोटे उसमें इंट्रैक्शन नहीं होता इन लोगों का. सही सही सही. ठीक है. तो ये है इनके साथ जो आदि भाई. अभी खाने पीने में इसको क्या जी? खाने पीने में तो खैर मास्टर है, हर चीज़ खाता है. अच्छा माशाल्लाह. बिल्कुल हर चीज़ खाता है. हमारे यहाँ तो ये चिकन और बीफ आता है तो वो खाता सही, है. सही सही. ठीक है. और ये ज़्यादा मज़े से जो है वो एक दिन पुराना गोश्त खाता है. अच्छा. हाँ क्योंकि ये रॉड इनकी हैबिट है. उसको भाई आप जिंदा चीज़ डाल देंगे तो वो भी इंतजार करेगा, जब वो मर जाएगा तब खाएगा. तो ये तो है ही मुर्दार. अच्छा, ना? नेचुरल इसका इसको शौक ही सड़ी हुई चीजें खाने का. ओहो, और इसको अल्लाह मियां ने बनाया है इसीलिए कि जैसे ईगल है, ईगल मरा हुआ नहीं खाती, वो शिकार करके खाती है, जिंदा ताज़ा खाती है. ये उसका बिल्कुल बचा हुआ कचरा जो होता है वो खाता है सारा. तो अल्लाह ताला ने दोस्तों हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में बनाई है. इसका होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है. और एक चीज़ इसको देख के मेरे जहन में मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ. आप लोगों ने कभी नोट किया हो वल्चर्स किसी भी टाइप के हों इनके नेक पे हेड पे पर नहीं होते. वो क्यों नहीं होते वो आतिफ भाई बताएंगे. आतिफ भाई इनके नेक पे पर क्यों नहीं होते? भाई ये जो है ना एक पूरा अगर हाथी भी रखा हुआ है ना तो ये उसके पीछे के हिस्से से सुराख करेंगे और अंदर अंदर तक गर्दन खा के सारी आते हैं फेफड़े कलेजे ये सब खा लेते हैं. तो इसीलिए इनकी गर्दन भी बहुत लंबी होती है और फैदर लेस होती है. और ये बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर अंदर तक सिर्फ गर्दन से खा खा के सब चीज़ें नोच नोच के खा जाते हैं. अच्छा आते भाई ये तो हो गई इसकी नेक की बात ना, इसकी चोंच की बनावट भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इसका भी मैंने कुछ जी बिल्कुल ये बिल्कुल इसकी चोंच की बनावट जो है ना ये और जितने भी अपने यानी बर्ड ऑफ प्रे होते हैं उनसे डिफरेंट होती है इनकी. सही. ये जो है ना यानी ब्लंट होती है इनकी. इनकी चोंच ऐसी नहीं होती कि ये नोच के खा जाएं. ये इसीलिए सड़ा हुआ गोश्त और वो खाते हैं. इनकी चोंच में इतनी धार भी नहीं होती. इवन ये कि अगर आपको ये किसी को पकड़ेगा भी ना तो ये काट नहीं सकता. इनको इस तरह की अल्लाह ने एबिलिटी दी है कि एक दफा ये खाना खा लेते हैं फिर इनको महीनों खाना ना मिले. अच्छा आदि भाई अभी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा. ये अभी बड़ा मतलब सुस्त बैठा आप देखें पेट पूरा भरा हुआ है. अब ये अच्छा। है तो यानी मुर्दार खोर ना तो ये बड़ा ही यानी रिलैक्सिंग मूड में रहता है. इसका पेट भरा हो तो ये बैठा रहेगा सोता रहेगा आराम से. जब इसका पेट खाली होगा फिर ये
उड़ेगा, जुस्तजू करेगा कि खाने वाने खाने। अब ये बिल्कुल इजी मूड में चिल कर रहा होता है। अच्छा, पूरे अच्छा, उसमें। अच्छा 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 अच्छा। और इनका ऐसा होता है कि सब चीजें बस, क्योंकि चबाते बाते तो है नहीं, डायरेक्ट बस सारा पेट भर अंदर पूरा भर लेते हैं अंदर, फिर उसको इजिली कंज्यूम करते रहते हैं टाइम बाई टाइम। और ऐसे ही यानी मुर्दार हो रहे ऐसे ही बस, ये ऐसा नहीं है कि शाहीन की तरह या कबूतर की तरह या इस तरह नहीं, बड़ा ही बड़ा एनिमल है ये भी। अच्छा, जब मैंने वाइल्ड में भरा होता है बिल्कुल रिलैक्सिंग होते हैं। वाइल्ड में भी मैंने देखा, आप लोग अगर देखेंगे तो वल्चर्स को देख के आपको लगेगा कि बहुत सुस्त एनिमल है और ये साइड में बैठे हुए, एक दफा खाना पीना कर लिया उसके बाद ये फिर पड़े रहते हैं। और इसकी एक्टिविटी कैसी है, इसको जरा सा अगर छेड़ा जाए। वल्चर मियां, आतिफ भाई के हाथ पे उठ रहे हैं मिस्टर। अरे उठ जाओ, मुझे थोड़ा सा इससे वो भी हो रहा है, इतनी बड़ी चोंच है इसकी। आतिफ भाई इसको थोड़ा सा सेट करें, ये देखें जाग गए, अभी इसका पेट भरा हुआ है। अच्छा 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 बस बस, सॉरी सॉरी, माशाल्लाह इसका पर चेक करें यार, आप खुदा की कुदरत है आतिफ भाई। देखिए फौरन चार्ज होता है माशाल्लाह से। मैं अभी तक एक बात मुझे हजम नहीं हो रही कि आतिफ भाई ने बोला कि ये वो है, बच्चा है ये। जी बिल्कुल, ये अभी बच्चा है और इससे बहुत बड़े बड़े साइज में हमारे पास जो है वो ऐसा लग रहा है पूरी छतरी रखी हुई है ये। जी बिल्कुल आतिफ भाई, हमारे बहुत सारे लोग अभी जो देख रहे होंगे वो ये सोचते हैं कि मतलब इस तरह के एनिमल्स स्पेशली ईगल्स वगैरह हैं, वो चाहते हैं कि रेस्क्यू वगैरह, आप क्या प्रेफर करेंगे कि वो किसको कॉल कर सकते हैं, या हमारे कौन कौन से इदारे हैं जो बाकी काम कर रहे हैं या आपको सपोर्ट भी करते हैं या इस तरह का कुछ? जी जी, देखें मैं आपको अभी इस प्रोग्राम की तवज्जो से ये बता दूँ कि जितने भी बर्ड ऑफ प्रे हैं ये सब इलीगल हैं, कीप करना इनको। ओके, ठीक है। और अभी जो हमारे सिंध वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेटर हैं मिस्टर जावेद मेहर साहब, ठीक है, माशाल्लाह उनको जितने कंजर्वेटर आए हैं उन सब में से मैंने उनको सबसे बेहतरीन पाया है। अच्छा, ठीक है, इस मुताल्लिक के ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करा रहे हैं और छोटी से छोटी चीज़ों पे भी वो एक्शन ले रहे हैं, यानी ये नहीं देख रहे हैं कि किसका कॉल है, कॉमन बंदा भी कॉल कर रहा है तो उसको एक्शन ले रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट करा रहे हैं। अभी हमारे किसी भी पेट शॉप पे आप जाएंगे इस तरह की आपको इलीगल चीजें नहीं आएंगी, जबकि पहले ये सब भरी होती थी। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। इवन ये बाकी जो उनके जो ये सब रेस्क्यू करते हैं, नईम खान हैं, ठीक है, हसन भाई हैं, तो ये सब बड़े एक्टिव हैं इस वक्त, बहुत एक्टिव हैं। आप सिंगल उनको कॉल करें वो आपको काम करके देंगे, ठीक है। और ये सब एक गुड लीडर की वजह से ही है, जावेद साहब माशाल्लाह बहुत जेंटलमैन आदमी है और काम कर रहे हैं जो कि नजर आ रहा है सबको। सही 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 सही। अच्छा आतिफ भाई, एक ऑफ द रोड बात पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत सीक्वेंस में सारी बातें बताई हैं, जिस तरह कुछ लोगों ने ये किया कि कैप्टिविटी में कुछ लोगों के पास औकाफ वगैरह हैं या शाहीन वगैरह, अगर वो रखना चाहें तो कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है? जी जी, उसके बिल्कुल है, उन सब का एक लीगल प्रोसीजर है, आप उनके परमिट बनते हैं, ठीक है, उनके परमिट बनते हैं। और जो महंगे औकाफ वगैरह हैं आजकल तो सारे माइक्रोचिप्ड हो रहे हैं, तो वो माइक्रोचिप भी आप उस परमिट में ऐड कराएं, उसके लिए सिंध वाइल्ड लाइफ का दफ्तर है, आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ अप्लाई करें, आपको परमिट मिलेगा, आप बिल्कुल रखें, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल रख सकते हैं आप, बिल्कुल। तो दोस्तों ये मतलब एक बड़ी डिफरेंट सी बात है कि आप अगर इस तरह के, जैसे कुछ लोगों को होता है कि बर्ड्स ऑफ प्रे वो रखें अपने पास, तो इसका पूरा प्रोसीजर है जैसा आतिफ भाई ने बताया, तो आप ये भी कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात है आतिफ भाई कि हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो माशाल्लाह से इतना स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। अच्छा आतिफ भाई, ये बताएं कि हमारे जो जितने भी लोग देख रहे हैं, आपने माशाल्लाह से पेट्स से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं, आपने डॉग्स से रिलेटेड, डॉग्स का तो खैर फीडबैक हमारे पास बहुत ही अमेजिंग आया था, बहुत सारे लोगों ने हमें ये भी कॉल किया कि यार हम ये देख के हैरान है कि यहाँ पर भी अलास्कन मेलमूट्स रख सकते हैं, तो मैंने लगा आतिफ भाई की आप जरा सुपरविजन में आ जाए, सब रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड आप हमारे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई देखें, मसला ये है कि वाइल्ड एनिमल जो है ना वो वाइल्ड में ही खुश रहते हैं, वो कभी भी जो है ना वो कैप्टिविटी में खुश नहीं रहते, ठीक है। सेकंड ये है कि जो वाइल्ड एनिमल की खूबसूरती जो है ना वो वाइल्ड में ही आपको नज़र आती है। बिल्कुल। और हम तो इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम सब अपनी अपनी लेवल के ऊपर कंजर्वेशन करें और जो है जो अपना हिस्सा अदा करें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इस खूबसूरत वाइल्ड लाइफ को भी इन्जॉय कर सके। सही सही, थैंक यू सो मच आतिफ भाई, एक बार दोबारा आपने हमें टाइम दिया। दोस्तों आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात शेयर करता चलूं कि अगर आप लोग कुछ नहीं भी कर सकते, अभी गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने घरों के आसपास पानी या बाजरा जो छोटा छोटा आप कर सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। आतिफ भाई शायद मुझे बताते भी नहीं, हमने तो पकड़ लिया पीछे से कि आतिफ भाई ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि कोई तो सीन है कि इनके पास जो है ना वो ऐसे एनिमल्स हैं, और हम जाते हैं वो एनिमल्स होते हैं, कुछ टाइम बाद जाएँ वो नज़र नहीं आते, पता चलता है कि वो इन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो ये रिलीज़ और रेस्क्यू वाला सीन हमने पकड़ लिया आतिफ भाई का, तो आतिफ भाई ने बता भी दिया कि आतिफ भाई ये फॉर द सेक ऑफ गॉड ये इतना अच्छा काम आतिफ भाई कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप लोग अपने इन्वायरमेंट की खुद ही हिफाजत करें, बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी हरकतें आप चाहते हैं आप पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया से शेयर करें, तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं वीडियो, तो हम इंशाल्लाह आपकी वीडियोज़ भी हम सबके साथ शेयर करेंगे, अपने साथ आपको भी शामिल करेंगे। तो इंशाल्लाह नई एपिसोड में कुछ दोबारा आप लोगों को दिखाएंगे, कुछ नया दिखाएंगे, कुछ नए एनिमल से मिलवाएंगे, कुछ एक्सपर्ट से मिलवाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने एटमॉस्फेयर का ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।